रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज गाजियाबाद थाना विजयनगर के अंतर्गत साउथ साइड जीटी रोड की एक कंपनी जिसका नाम चिन्मय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बताया जा रहा है, जो कि एक गत्ता फैक्ट्री है, उसमें अचानक आग लग गई जिसने भीषण रूप ले लिया। मौके पर दमकल विभाग की फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के FSO कमलेश मिश्रा ने बताया कि उनके विभाग को 4:16 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंपनी में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। शक जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है, जिसकी जांच की जा रही है। आग लगने की सही वजह अभी मालूम नहीं पड़ पाई है। सर, साउथ साइड में आज एक कंपनी में आग लगी है, क्या मामला हुआ पूरा? हम लोगों को 16:12 पर आग की सूचना प्राप्त हुई। हमने तुरंत 2-3 गाड़ियों को लेके वहाँ से मूव किया, कोतवाली से और साहिबाबाद से गाड़ियाँ मंगवाई। हमारी 6 गाड़ियों के साथ हम लोग यहाँ आए और तुरंत अग्निशमन का कार्य प्रारंभ किया। जब यहाँ आए तो भीषण आग लगी हुई थी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर। गत्ते की फैक्ट्री है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी हुई थी। सर, कंपनी का क्या नाम है? चिन्मय मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक है, क्या रीज़न रहा है, कारण की आग लगी है? प्रथम दृष्टया तो अभी यही पता चल पाया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी इसकी विवेचना की जा रही है और वास्तविकता क्या है ये बाद में पता, अग्निशमन के कार्य उपरांत जो है पता चल पाएगा कि क्या कारण थे। अग्निशमन की कितनी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हुई हैं? अग्निशमन की 6 गाड़ियाँ आई हैं यहाँ से, यहाँ पर, और क्रमशः कोतवाली से, वैशाली से और साहिबाबाद फायर स्टेशन साहिबाबाद से 6 गाड़ियाँ यहाँ अग्निशमन का कार्य की हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।